हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्पेशल केयर वर्सेल्फ और मैं हूँ आपकी दोस्त शीशा। दोस्तों, अभी मौसम है त्यौहार का, एक के बाद एक फेस्टिवल अभी आने वाला है। पहले तो दुर्गा पूजा आ रहा है, एक ही हफ्ते में दुर्गा पूजा बाकी है, दो तीन चार दिन बाकी है शायद। तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड सोच रहे हैं तुरंत ही मेरे फेस में ग्लो आ जाए, मेरी स्किन तुरंत ही फेयर बन जाए, ऐसा कोई रेमेडी मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो वही उसी के बारे में सोच के मैं आज आपको दिखाऊंगी ऐसा एक घरेलू नुस्खा जिसको लगाते ही फ्रेंड्स आपकी स्किन ग्लो करने लगता है, आपकी स्किन फेयर बनते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है इससे फ्रेंड्स आप फेशियल जैसा लुक पा सकते हैं। फेशियल करने के बाद हम लोगों की स्किन में क्या आता है, थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, थोड़ा सा फेयरनेस आता है, पर फ्रेंड्स उसका रिजल्ट बहुत दिन तक रहता भी नहीं है, पर उसको रेगुलर कंटिन्यू करना पड़ता है। अभी जो हालत है दुनिया का, फुल दुनिया का जो हालत है उसके वजह से हम लोग फ्रेंड्स नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी पार्लर में या स्पा वगैरह में नहीं जा रहे हैं, डर रहे हैं। तो उसी के वजह से आप चाहते हो क्या घर पे रहते एक फेशियल जैसा लुक आए और आपके पॉकेट से एक भी पैसा खर्चा ना हो, तो फ्रेंड्स आज का ये टिप्स जरूर देखें। इसको मैं बनाने के बाद अपने फेस में लगा के भी आपको दिखा दूंगी इसका क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप भी सोचते होंगे क्यों मैं एक ही बात बोलती हूँ, पर भी फिर भी फ्रेंड्स मैं बार बार याद दिलाती हूँ क्योंकि आपका लाइक मुझे इंतजार है। तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि फ्रेंड्स मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊं उसके तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरे हर वीडियो को फर्स्ट टाइम ही देख पाओ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ पहले तो एक चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच ग्लिसरीन और इसके बाद हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे लेमन का जूस 5 to 10 drops और इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको आपको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं ऐसे ही आपको लगा लेना है। फ्रेंड्स, इसको लगाते ही आप देख पाओगे आपकी स्किन से ग्लो आ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने जोड़ा है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन फ्रेंड्स आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने के लिए हेल्प करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर दिलाता है, आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट भी बनाता है। और इसके साथ हम लोग जोड़े हैं फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन का टैन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग स्किन बनाएगा। और इसके साथ हम लोग जोड़े हैं फ्रेंड्स लेमन का जूस। लेमन का जूस फ्रेंड्स आपकी स्किन का दाग धब्बे को मिटाएगा, आपकी स्किन को इंस्टेंटली फेयर बनाएगा और परमानेंटली भी आपकी स्किन टोन को लाइटन करते हुए आपकी स्किन को फेयर बनाती जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको इसको लगा लेना है, अच्छे से लगा लेना है और लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा अपने फेस में लगा हुआ रख देना है और उसके बाद धो लेना है। ऐसा आप रेगुलर करते हो तो फ्रेंड्स आपकी स्किन से नेचुरली एक ग्लो आने लगता है, आपकी स्किन टोन लाइटन होकर फेयर बनता है, आपकी स्किन का दाग धब्बे भी रिमूव हो जाता है। और पूजा से पहले आप इसको लगाते हो, रेगुलर लगाते हो तो फ्रेंड्स आपके स्किन में परमानेंटली इस पूजा में एक ग्लो आ जाएगा, आपके फेस का दाग धब्बा कम हो जाएगा, स्किन फेयर भी बनेगा। तो आशा करते हो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊंगी कोई अच्छे से ब्यूटी टिप्स या हेयर टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।